ਆ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਅੱਧਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੰਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਹਰੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਂ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਘੇਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਗੱਡੀ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਰਬਾਨਾ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ 2 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ 50 ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ सारी गड्डी डैमेज करके मेरा सिर सुपाड़ के दूजा मुंडे का मुंडा पाड़ता है मैं भज के ठेके के अंदर बड़िया मैं उतो उन्होंने बोतल मारनिया शुरू की फिर तां भजे हो पुलिस तो आई नहीं गई अपने बचाव वास्ते नहीं तो जिस हिसाब ना वो मारते पे थे तो इदा लगता कि मार ही देना उन्होंने कोई किस कोई बिच नहीं पिया जान तो मारन की धमकिया देंगे मैनू खबर लेंदे आ लुधियाने तो लुधियाना के रोज़ गार्डन नेड़े पुरानी रंजिश नूं लैके होया हमला तस्वीरां सीसीटीवी विच होईयां कैद मौके ते पहुंची पुलिस लुधियाना रोज़ गार्डन नेड़े अज उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जदों कार सवार ते अचानक कुछ अणपछाते लोगों ने हमला कर दिता जिस दे विच 2 नौजवान जख्मी होए ने मामला पुरानी रंजिश का दस्या जा रहा है अज दोहां धिरां दी लुधियाना जिला अदालत विच पेशी हुई सी अते पेशी तो बाद ही वापसी समय झगड़ा होया है सीसीटीवी विच कुछ नौजवानों ने एक कार की भन तोड़ भी की है जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा है कि फिलहाल तफ्तीश तो बाद ही कुछ कहा जा सकता है इस संबंध में होर की गलबात हुई है आओ सुनते हैं मैं इंद्रमोहन सिंह गल करदा जी सलामगंज तो जी मैं आ हुणे थोड़ी अद्धा दे अद्धा घंटा पहला दी गल है जी मैं कचहरी तो तरीक भुगत के वापस आउंदा पिया सीगा एक घट्टो घट 100 बंदे हथियारों नाल लैस हो के जिहदे विच लोटा गैंग दे हरे बंदे मौजूद सी जिहड़े एनजीओ चलाउंदे ने नां दे आड़ दे उत्ते ग्रुप चला रहे ने ये लोगों नूं मारन दे धंदे जिहड़े लै रहे ने इन्हां ने इत्थे मेरी गड्डी घेर के पूरी गड्डी डैमेज कीती आ सानूं काफ़ी कुरबाना तेज़ हथियारों नाल मारिया 2 बंदे इंजर्ड ने जिहड़े सिविल होस्पिटल 'च अपना परचा दर्ज करा रहे ने जी आ पुलिस का कैमरा लगा जिहदे विच सारी चीज़ सारे चेहरे बेनकाब होने कि कि बंदे ने साडे ते वार कीता वा मैं कहना पुलिस वाले तगड़े तगड़े एक्शन लवे तो जिहड़ियां इन्हां दी एनजीओ ने रद्द कीतियां जाण ये सोशल मीडिया के नाते ये लोटा गैंग चलाउंदा जी आप मैनूं इन्हां दा नाम नहीं पता जी एनजीओ का पर लोटा गैंग तुसीं इहदे चैक करो किन्ने परचे इन्हां दे खानदान ते किन्ने परचे ने जी है जी ये मैनू नहीं पता जी किसी की रंजिश मेरी गड्डी डैमेज करन दा की कंसर्न आ मैनू नहीं पता मेरे नाल कोई लाग डाट नहीं सी बेवजह मेरी गड्डी मेरे ते जानलेवा हमला कीता गया जिते मैं सीपी साहब नूं भी दरखास्त दे के आनी मैं कहना चाहना कि इन्हां ते सख्त सख्त कार्रवाई होवे इन्हां दी एनजीओ रद्द कीती जाण इन्हां दे जिन्ने नाल मुंडे चलदे सारे दे बकायदा परचे दर्ज होने चाहिए तां कि इह शहर दे विच एदा गुंडागर्दी दा नंगा नाच ना कर सकन मेरी भाजी कोई दुश्मनी नहीं मैं खुद ही प्रगट सिंह गिरे भाजी असीं तरीक भुगत के आ रहे सां ते असीं इत्थे रोज़ गार्डन कोल आए हां घूमदे फिरदे ते उस 50-60 मुंडा लै साडे ते हमला करता है मारन ही आए सी सानूं कारण कुछ नहीं भाजी आप अपनी तरीफ भुगतो अपनी तरीफ भुगतन गए थी पुरानी रंजस थी उन्होंने हाँ जी नहीं नहीं सर हाँ जी हाँ जी वो फैसला हो गया भाजी पैसे लैके फैसला कर बैठे ने फिर भी सानू हमला कर गए ने 50 मुंडे लैके इत्थे घट्टों ने मेरे 50 बंदा सी असी 3 बंदे 50 बंदा सी हाँ जी सारी गड्डी डैमेज करके मेरा सिर सुर पाड़ के दूजा मुंडे का मूंह मथा पाड़ता है कि जी 15-20 मिनट तक आ गई राकेश कुमार मेहंदी मैं तरीक ते गया सीगा उत्थे यार मेरी बहस उत्थे मैनू पता नहीं सी मेरी उन्हां दी भी तरीक है तो उत्थे माड़ी बहसबाजी हो गई मैं उत्थों उन्होंने इग्नोर जिहा करके आ गया वह भी उत्थे साडी आपस च बहसबाजी हो गई निकल गए इतों मैनू लग्या भी चले गए इतने जो मैं पहुंचा मेरी फील्डिंग ला के खड़े हुए थे इतने असी गड्डी दे विच सीगे आ गड्डी भी तोड़ती उन्होंने 30-40 मुंडे सीगे सारे दे हत्थां च टोके फड़े हुए सीगे पहला मेरा 2019 दे विच उन्हां नाल झगड़ा होया सीगा उत्थे इत्थे इत्थे हैगे सीगे तकरीबन 30-35 बंदे सीगे ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਤਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ 307 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ
लोटा है मुंडा बाकी नाल दे मुंडे सागर सूगर होनी है जान तो मारन की धमकी देंदे है मैनू मौजूदा हालातों ते नज़र मारीे तो इंसान तरह तरह दी बीमारियां नाल जूझ रहा है। इंसान बीमारियों तो छुटकारा पाउण लई तरह तरह के उपराले भी करता है और जिवें तुहाडे दुखां नूं मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहला फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया जिस द्वारा 125 बीमारियों का इलाज किया गया ते हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानू दुखां तो नजात दवाउण लई हाज़र है फीर लीफ पावर जिस दे नाल तरह तरह दीआं कमजोरियां नूं दूर किया जा सकता है जिवें मरदाना कमजोरी अंतरियां दी सोजिश पेशाब विच जलन दिल की कमजोरी खून की कमी अते दिमाग नूं तेज़ करता है। अलग अलग लैबोरेटरियां तो आयुर्वैदिक माहरां द्वारा टैसट हो के आप सब दे रूबरू है और जिस दे विच कई तरह दियां आयुर्वैदिक जड़ियां बूटियां अते कई तरह के पसम मिला के तैयार किया गया है। वह नौजवानों लई बड़ा वरदान सिद्ध हो रहा है। जो नौजवान मरदाना कमजोरी नाल जूझ रहे ने वह हुण फीर लीफ पावर का इस्तेमाल करन तो बाद दोबारा खोई हुई मरदाना ताकत नूं हासिल कर सकते ने। ये मेडिसन 100% आयुर्वैदिक है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तुसी वधेरे जानकारी लई संपर्क कर सकते हो 94784-84087।